बजरंग टीवी, कहानी पुराणों की, ज्योति आस्था की। देख रहे हैं इसे, ये रेत है। कहा जाता है कि इसे आप मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है, या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ति नहीं कि इसे मुट्ठी में बंद करके रख सके, या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी? कदाचित इसीलिए कहा जाता है कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते। परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? परिश्रम से, प्रयास से। तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते? मान सम्मान, धन संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। ए दानवीर कर्ण, मैं दान में तुम्हारे कवच और कुंडल मांगता हूं। जो आज्ञा है त्रिते, आपने मुझसे दान नहीं मांगा बल्कि मुझ पर उपकार किया है। एक सूत पुत्र के पास स्वर्ण कवच रहने का क्या लाभ? मैं आपका दान पूर्ण करने का वचन देता हूं। हर बार अगर छूट ना पाए लक्ष्य हो जाए
पुत्र के चिंता के बाढ़ आपके हृदय को भेद रहे थे। दान स्वीकारिए इंद्रदेव। नहीं इंद्रदेव। तो किस प्रकार पुत्र? दान स्वीकारने के लिए अपने वास्तविक रूप में आई है इंद्रदेव। ये आपके पुत्र और विलक्षण योद्धा के सम्मान के लिए कह रहा हूं मैं, उस माता के सम्मान के लिए कह रहा हूं जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को जन्म दिया। दान में पुण्य का फल होता है, इसे छल का भाग मत बनाइए। अपने वास्तविक रूप में आइए, आइए इंद्रदेव अपने वास्तविक रूप में। आपने क्या अनर्थ कर दिया पिताश्री? क्यों
क्या आवश्यकता थी आपको इसकी, जो आपने कर्ण से उसका कवच कुंडल छीन लिया? मैंने तो केवल नियति के न्याय का पालन किया, एक पिता धर्म का पालन किया। ये किस प्रकार का पिता का धर्म है पिताश्री? पिता का धर्म होता है अपनी संतान में आत्मविश्वास जगाना, परंतु आप अपनी संतान की शक्ति पर विश्वास ना करके कौन सा पिता का धर्म निभा रहे हैं? बताइए मुझे पिताश्री। मैं तो केवल तुम दोनों के बीच होने वाले युद्ध में शक्ति का संतुलन बना रहा था। जब तक कर्ण के पास ये कवच और कुंडल था, तब तक तुम्हारा कोई भी प्रहार कर्ण पर प्रभाव ना करता। जबकि तुम्हारे पास ऐसी कोई दैव्य ढाल नहीं। आज मैं तुम दोनों के मध्य न्यायपूर्ण ध्वन चाहता था। न्याय नहीं, छल, छल किया है आपने पिताश्री। छल करके आपने कर्ण से दान में उसकी ठार मांग ली। महान बनने के लिए मित्रों की आवश्यकता होती है, और उससे भी अधिक महान बनने के लिए प्रबल शत्रुओं की। परंतु आपने तो मेरे शत्रु को निर्बल बनाकर मेरा मान ही कम कर दिया। मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी पिताश्री। पहले एकलव्य के साथ अन्याय, उसका अंगूठा छीन कर उसे बाण संधान करने के लायक नहीं छोड़ा आचार्य द्रोण ने, और अब आपने अंगराज से उसका कवच छीन लिया। क्या आपको मेरी शक्ति पर इतना भी विश्वास नहीं था जो आपने इतना बड़ा छल किया पिताश्री? कभी सोचा भी है आपने कि अर्जुन को इतिहास किस नाम से स्मरण करेगा? कि उसने उन योद्धाओं को परास्त किया जो उससे कम शक्तिशाली थे, समान कौशल रखने वालों के साथ छल किया उसने। मैंने इस महायुद्ध में कर्ण को परास्त करने का वचन दिया था, परंतु मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी विजय को आपने छल से रचा हुआ प्रारब्ध बना दिया पिताश्री। और यदि अब मुझे विजय मिली तो भी उसे आपका छल गिना जाएगा, मेरी कुशलता नहीं। प्रारब्ध क्या है उसे कोई नहीं जानता अर्जुन। मुझसे मेरे कवच को छीना है, पर तू मेरे कौशल को नहीं। ना मैं धनुष उठाना भूला हूं, ना बाण संधान करना। तुम्हें जिस द्वंद की अपेक्षा है, वो द्वंद तुम्हें अवश्य मिलेगा। स्मरण रखिएगा पिताश्री, ना मैं कभी इस छल के बोझ से मुक्त हो पाऊंगा, और ना ही कभी आप इस अपराध बोध से। तुमने सत्य कहा पुत्र अर्जुन, ये जानते हुए भी कि मैं कौन, मेरी मंशा क्या है, किस अपेक्षा से यहां आया। कर्ण ने मुझे अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। इस दान से तुमने
आत्मविश्वास का एक अद्भुत उदाहरण, एक महान परिभाषा प्रस्तुत की है। मैं देवराज ये घोषणा करता हूं, तुम्हारा ये बलिदान इस युद्ध का सबसे महान, सबसे उच्च बलिदान सिद्ध होगा। समस्त संसार में तुम महादानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध होगे। परंतु तुम्हारे इस दान का बोझ बहुत भारी है। इस बोझ के भार के कारण मैं स्वयं से दृष्टि नहीं मिला पा रहा हूं कर्ण। इसे हल्का कर दो कर्ण, और अब मैं तुम्हें वो अस्त्र देना चाहता जो समस्त संसार में किसी भी प्रकार की ढाल को वेध सके। आप मेरे दान का उपहास उड़ा रहे हैं इंद्रदेव। ये एक दान था, कोई भी अपार नहीं। यदि आप कवच कुंडल के स्थान पर मेरे प्राण भी मांगते तो मैं प्रसन्नता से दे देता। मैं एक सूत पुत्र हूं और मेरे पिता ने मुझे सदा देना सिखाया है, लेना नहीं। मैंने अपने दान देने का वचन पूर्ण किया, मेरे लिए यही पर्याप्त है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। यदि तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा तो देवराज होने के नाते इस सृष्टि में मैं अपना सम्मान खो बैठूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा ना कर पाऊंगा। मैंने दान के रूप में तुमसे तुम्हारी ढाल छीन ली। मांगो, मांगो जो वरदान मांगना है मुझसे। मांगो कहां? मैं आपका सम्मान रखने के लिए ये अस्त्र स्वीकार करता हूं जो किसी भी ढाल को भेज सके, जिसे जब भी मैं अपने शत्रु का नाम लेके प्रयोग करूं तो उसका अंत निश्चित हो। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी अमोघ वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूं। शक्ति को जिसका नाम लेकर संधान करोगे वह अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा। किंतु स्मरण रहे, इस शक्ति का प्रयोग तुम केवल एक ही बार कर पाओगे, मेरा मान रखने के लिए। तुम्हारा धन्यवाद है दानवीर कांड। मैंने सदैव यही चाहा था।
कि तुम्हारा वध मैं तब करूं जब तुमने कवच धारण किया। ये कवच मेरा कौशल मेरी प्रतिभा नहीं, ये कवच छिनने के पश्चात अब ये ध्वंस समान है, परंतु तुम सावधान रहना क्योंकि इस अस्त्र का प्रयोग मैं तुम पर ही करूंगा। मैं उस ध्वंस की प्रतीक्षा करूंगा।